Shri Krishna Subhadrayai Garbhavate Nirupitam Chakravyuha Praveshasya Rahasyam Charkutam Vidar Abhimanyu Sthito Karbhe Divyajnanayuto Shruno Rahasyam Chakravyuhasya Sampurnam Nasajnatavan अपनी वजह बर्बादी पूछिए तो मजे की है, अपनी वजह बर्बादी पूछिए तो मजे की है, जिंदगी से यूं खेले मानो दूसरे की है। जावेद अख्तर के अल्फाज जो कि हिंदी फिल्म अदाकार संजय दत्त की जिंदगी का बयानिया लगते हैं। आदाब नमस्ते, उर्दू वाला चश्मा में खुश आमदीद। मैं हूं नूपुर शर्मा। सुनील और नरगिस दत्त के साहबजादे संजय बलराज दत्त 29 जुलाई 1959 को बंबई में पैदा हुए। 1981 में फिल्म रॉकी से इनकी हिंदी फिल्मों में आमद हुई। 100 से जायद फिल्मों में काम कर चुके हैं जिनमें नाम, सड़क, साजन, खलनायक, वास्तव, मुन्ना भाई MBBS शामिल हैं। ड्रग्स और शराब का शौक पहले आदत बना, फिर लत और फिर बेख्तियार मजबूरी। ही हैड अ वेरी पब्लिक स्ट्रगल विद ड्रग्स एंड अल्कोहल। तारीफ के भी हकदार हैं कि डी एडिक्शन सेंटर जाके इस लत से छुटकारा पाया। लेकिन 1993 में टाडा, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए। इस संगीन दफा यानी टाडा की जगह बाद में इल्लीगल पोजेशन ऑफ वेपन्स वाली दफा के तहत उन्हें सजा हुई। चंद साल जेल में गुजारे और आखिरकार 2016 में रिहा हुए। हाल ही में उन पर एक किताब आई है। यासर उस्मान साहब ने ये निहायत ही दिलचस्प बायोग्राफी लिखी है। इससे पहले ये राजेश खन्ना और रेखा की बायोग्राफीज भी लिख चुके हैं। यूं तो संजय दत्त किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहे हैं। शराब, ड्रग्स, टाडा, इश्को आशिकी, लंबी फहरिस्त है। लेकिन यासर उस्मान साहब की किताब की खूबी ये है कि ये ना सिर्फ इन सब बातों का बेखौफ बयानिया है, लेकिन इसके साथ साथ संजय दत्त की जिंदगी पे हमें इनसाइट, ठोस समझ भी देती है ये किताब। यानी किताब मसालेदार और चटपटी भी है और गहरी और वजनी भी। हिंदी फिल्म ट्रेड लैंग्वेज में इसे पैसा वसूल कहते हैं। मेरी यासर उस्मान साहब से मुलाकात हुई और हमने अफवाहबाज सहाफत से परहेज करते हुए संजय दत्त की जिंदगी को मिसाल के तौर पे लिया और उसके जरिए उसे वसीला बनाते हुए कुछ बिग पिक्चर इश्यूज, कुछ मुद्दों पर बात की। पेश है हमारे तबादला ख्याल के चंद टुकड़े। सबसे पहले तो मैंने उनसे उनके क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में पूछा। मैंने कहा कि मुझे एक लिखारी, एक लेखक, एक राइटर के क्रिएटिव प्रोसेस में हमेशा दिलचस्पी रहती है। आपकी किताबों में, चाहे वो राजेश खन्ना और रेखा वाली किताब हो या हालिया संजय दत्त वाली, एक एम्पथी है। आप हसास और सेंसिटिव हैं अपने मौजू की जानिब, मगर कड़वे सच बयां करने का जिगरा भी रखते हैं। ये किताब PR एक्सरसाइज नहीं है, तो ये तवाजुन, ये बैलेंस, ये सेंसिबिलिटी कहाँ से लाते हैं आप? जो शुरुआत हुई नूपुर, वो इसी तरह से हुई कि आजकल जितनी भी अभी हैं या पहले भी जो किताबें आ रही थी, जो या तो फिल्म स्टार लिख रहे थे या फिल्म मेकर लिख रहे थे, वो अपनी ज़िंदगी के बारे में जब लिख रहे थे तो वो जब पीछे मुड़ के देख रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब मैं आया था फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो चाहे वो स्ट्रगल रहा हो या उनकी अच्छी बुरी फिल्में रही हों या उनकी ज़िंदगी रही हो, जो पूरा सफ़र रहा है उसे दे लुक थ्रू रोज टिंटेड ग्लासेस, तो सब अच्छा अच्छा नज़र आए। तो बड़ी वो बैलेंस नहीं होती थी किताबें। बहुत सी मैंने किताबें पढ़ी जहाँ पर जब मैं वो मैगजीन्स पढ़ता था या वो अखबार पढ़ता था कि कोई भी इवेंट हुआ है, और जब वो अपनी किताबों में लिख रहे हैं तो बिल्कुल ही अलग तस्वीर है उसकी। तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि बड़ा PR का चश्मा है या बड़ा इमेज ऑब्सेस्ड है बॉलीवुड, कि जो कुछ जाए वो बड़ा साफ सुथरा होकर जाए। एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि मैं फिल्म जर्नलिस्ट भी हूँ,
फिल्मों को कवर करता हूँ, इनके इंटरव्यू करने का मौका मिलता है, और बड़े लंबे वक्त से, मतलब शायद बचपन से ही ये इतना पैशनेट रहा हूँ कि पढ़ता रहा हूँ, चाहे वो मैगजीन्स हों या पीसेज हों या फीचर्स हों फिल्मों के बारे में, फिल्में देखता रहा हूँ दीवानगी की हद तक। तो इसलिए जब शुरुआत हुई तो ये रहा कि लोगों ने कहा कि स्टार के बारे में लिख रहे हो, उससे बात ही कर लो, मतलब उसके साथ मिलके लिखो। प्रॉब्लम थी कि उसके साथ मिलके लिखोगे तो फिर वही पीआर एक्सरसाइज हो जाएगी, मेरा मानना है कि वो हो जाएगी। तो मैंने कोशिश की कि बात नहीं करते हैं, अनऑथराइज्ड बायोग्राफीज लिखते हैं, ताकि जो सही तस्वीर है ना, वो फ्लैश एंड ब्लड में सामने आए, और ना फेवर में हो ना एंटी हो, एक बैलेंस, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन। आप देख रहे हैं उर्दू वाला चश्मा, और आज गुफ्तगू हो रही है यासिर उस्मान साहब से, जिन्होंने हिंदी फिल्म अदाकार संजय दत्त की अनऑथराइज्ड हाई प्रोफाइल बायोग्राफी लिखी है। मैंने अगला सवाल उनसे ये किया कि यासिर, आपने ये किताब अपने वालदैन की शान में लिखी है, उन्हें डेडिकेट की है, और जो डेडिकेशन वाला पैगाम है, बिकॉज नो पेरेंट एवर गिव्स अप, मुझे ये जुमला ज़ाती तौर पे बहुत रिलेटेबल लगा, और मुझे यकीन है कि पूरे जनूबी एशिया में जो हमारे नाजरीन हैं, जो देसी माशरे में नाजरीन हैं, वो इससे ख़ुद को जोड़ पाएंगे। संजय दत्त के पस मंज़र में, उनके कॉन्टेक्स्ट में तो ये बात मामूल से ज़्यादा हद तक दुरुस्त है, सच है ना? बिल्कुल सच है, क्योंकि देखिए, एक तो इतने बड़े स्टार्स का बेटा, नरगिस थी, दत्त साहब थे, सुनील दत्त, तो ज़ाहिर है पहली औलाद मतलब जान से ज़्यादा प्यारी है नरगिस जी को भी और दत्त साहब को भी, और हर ज़िद पूरी की जाती रही, और वो शुरू से ही एक जो कायदे तोड़ने का नियम, कायदे तोड़ने का जो सिलसिला चला संजय दत्त की ज़िंदगी में, तो वो चलता गया। और ज़ाहिर है कि शुरुआत, अगर आप पढ़ेंगे किताब, तो वो सिगरेट पीने से शुरुआत हुई है, और उसके बाद हॉस्टल गए हैं, वो लॉरेंस स्कूल सनार गए हैं, जब लौट के आए तो ड्रग्स के दलदल में फंस गए, उसके बाद माँ का इंतकाल, तो वो जो पूरी जो कहानी है उसमें ये है कि एक के बाद एक मुसीबतें आती रहीं, और एक वक्त ऐसा आया जब संजय दत्त जाके ख़ुद सुनील दत्त के सामने फूट फूट के रोने लगे और कहा कि आई एम गोइंग टू डाई, प्लीज़ सेव मी। तो वो जो एक लम्हा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लम्हा है, कि तब सुनील दत्त ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मतलब वो वी आर इन दिस टुगेदर, जो वो एक लम्हा है, मुझे बहुत पसंद है। डिस्पाइट ऑल हिज फॉल्ट्स, संजय दत्त फॉल्ट, दैट्स अ पर्टिकुलरली इमोशनल मोमेंट फॉर मी एज अ राइटर, कि अच्छा अब जो है, अब दे आर इन दिस टुगेदर, और फिर वो US गए हैं और पूरी लड़ाई है, उसके बाद सब ठीक हो गया है, ठीक हो गया, लेकिन फिर किस्मत भी अपना खेल खेल रही है कि वाइफ को भी कैंसर हो गया संजय दत्त की, और फिर जब फिर से ठीक चल रहा है सब कुछ, वो सुपरस्टार बन गए हैं, बड़ी बड़ी फिल्में चल गई हैं, वो स्टाइल आइकॉन हैं, बड़े बाल, दैट जिम टोन बॉडी एंड एवरीथिंग, ही इज़ अ, यू नो, इतने बड़े स्टार हैं कि पूरा हिंदुस्तान फॉलो कर रहा है, एक वो दौर है, और सडनली उन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर किया अपनी ज़िंदगी का कि वो पूरा हथियार रखता है और वो मुंबई सीरियल ब्लास्ट में इन्वॉल्व हो जाता है, और फिर वो सुनील दत्त, जो कि एक ईमानदार नेता के रूप में जाने जाते हैं, और एक सेकुलर वो है, और वहाँ पर उनका बेटा जो है, वो उसको ऐसे केस में फंस गया है अपनी बेवकूफ़ी और अपनी जाहिलपन की वजह से, नादानी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ना तो इतने यंग थे कि वो नादान है, दूसरा उनके पास, जैसे उन्होंने कहा था, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बतानी, कि वो रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं किसी के भी, मुझे नहीं लगता किसी को भी संजय दत्त किसी के लिए भी रोल मॉडल हो सकते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ उस पर्टिकुलर केस की भी बात करें, जब वो कहते हैं कि मैंने अपनी सेफ्टी, अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए हथियार लिए थे, ऐसा नहीं है, उनके पास ऑलरेडी 3 लाइसेंस्ड हथियार थे, उसके बाद लिया, उनका शौक था, ये बेवकूफ़ी भरा शौक था उनका, जिसकी वजह से न सिर्फ वो बल्कि सुनील दत्त भी, सुनील दत्त के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ कि नो पेरेंट एवर गिव्स अप, तो जूझते आए थे, बचाते आए थे, तब ये सबसे बड़ी लड़ाई थी सुनील दत्त की ज़िंदगी की भी, कि अब मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊं। तो संजय दत्त को साफ करने की वजह से नहीं, लेकिन सुनील दत्त एक बाप के तौर पे, कि सुनील दत्त कम से कम ईमानदार थे, और उनको लग रहा था किसी भी तरह मैं बचा लूं, और वो देखिए कि जो अपना पूरा उसूल थे वो छोड़ के, कांग्रेसी थे, सेक्युलर थे, शिवसेना से लड़ते रहे थे ज़िंदगी भर, शिवसेना से तो नहीं, शिवसेना की आइडियोलॉजी से लड़ते रहे थे, और फाइनली जब बेटे को बचाने की बारी आई तो वो गए बाला साहब ठाकरे के पास। तो वो जो चेंज था कि ही विल डू एवरीथिंग फॉर हिज सन,
तो जो अपने पुराने उसूल हैं वो भी बदलूँगा, तो वो मजबूरी भी है और वो मुझे अच्छी भी लगती है एक एक बाप के तौर पे कि मैं खड़ा हूँ, आखिर तक खड़ा हूँ, और वो खड़े रहे। अगला सवाल यासिर उस्मान साहब से ये रहा कि यासिर, आपने अपने एक हालिया मजमून में संजय दत्त को मैस्कुलिनिटी और पेट्रियार्की, मर्दानगी या मर्दाना अना कह लें, और पिदर सरी महाशरे के पस मंजर में कॉन्टेक्स्ट में आंका है, असेस किया है, इसके बारे में हमें कुछ और बताइए। बिल्कुल, देखिए दो अलग चीज़ हैं। मैस्कुलिनिटी के बारे में जब मैं कहा है तो वो उनकी इमेज की बात कर रहा हूँ जो फिल्मी इमेज थी, जिसको छोटे शहरों के जो मर्द होते थे और या कॉलेज स्टूडेंट्स होते थे वो फॉलो करते थे, मतलब जो जिम का जो कल्चर शुरू किया है, मेरा मानना है, क्योंकि मैंने अपने जब मैं स्कूल या कॉलेज में था तब देखा है, जब संजय दत्त का दौर हुआ करता था, तो वो सलमान से पहले संजय दत्त ने शुरू किया है। तो वो जो मस्कुलिन इमेज की बात कर रहे हैं वो है कि वो शर्ट उतार के फिल्मों में आ रहे हैं, उससे पहले हीरो इस तरह नहीं करते थे। और जो पेट्रियार्की की बात हम कर रहे हैं वो तो आई थिंक डीप रूटेड है बहुत, ना सिर्फ उनमें बल्कि दत्त साहब में भी, सुनील दत्त साहब में भी थी, कि जब नरगिस से शादी की थी उन्होंने तो ये शर्त थी कि आप फिल्मों में काम नहीं करेंगी, और एक ही फिल्म में काम किया जो नरगिस के भाई की थी, रात और दिन, जो नरगिस की आखिरी फिल्म साबित हुई थी। संजय दत्त के साथ ये और दो हाथ आगे निकल गए थे कि जब इन्होंने शादी की रिचा से तो इनका कहना था कि अच्छा ये तो फिल्में तो छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो बीवी हो वो जब मैं शूटिंग से लौट के आऊँ तो खाना बना के तैयार रहे और वो मेरे बच्चों को संभाले, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि वो फिल्मों में काम करे। और फिर उनसे पूछा गया आगे कि अच्छा ऐसा क्यों, तो उन्होंने आगे जोड़ा कि इन एनी केस शी वॉजंट एम्बिशियस, जबकि मतलब फैक्चुअली ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि रिचा तो न्यूयॉर्क में पली बड़ी थी और वो बाकायदा फिल्मों में करियर बनाने मतलब न्यूयॉर्क छोड़ कर आई थी, और ये संजय दत्त का कहना था कि शी वॉजंट एम्बिशियस इन एनी केस, तो वो वैसे भी गलत है। उनकी बेटी थी, जब कुछ साल पहले उनकी बेटी ने कहा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि मैं टांगें तोड़ दूंगा तुम्हारी। इस तरह की बातें जितनी भी गर्लफ्रेंड्स थी उनके साथ जो रिश्ते थे वो हमेशा ऐसी बातें, अगर आप किताब पढ़ेंगे तो, जो बिल्कुल डीप रूटेड है पेट्रियार्की के, फिल्म इंडस्ट्री लड़कियों के लिए बुरी है, मेरे घर की लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर, डबल स्टैंडर्ड। ज़ाहिर है आप सबके साथ रिश्ते में हैं, जो भी आपकी गर्लफ्रेंड्स हैं, आपकी को स्टार्स हैं, उनके साथ बराबर आपकी कहानियाँ आ रही हैं, लेकिन आपके घर की कोई औरत जो है वो फिल्मों में काम नहीं करेगी क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता। तो वो तो रहा ही शुरू से, और ज़ाहिर है उस पर बात अगर नहीं करते तो अधूरा रहता, क्योंकि वो संजय दत्त की पर्सनैलिटी है। और महेश भट्ट ने भी जैसे मुझे बताया कि एनी थिंग रिफाइंड फॉर हिम, यू नो, इफ़ यू टॉक एनी थिंग इंटेलिजेंट विद संजय दत्त ही विल रन अवे। जो वो माहौल है, जो ख़राब माहौल है या गाली गलौच वाला माहौल है, उसमें वो बहुत कम्फर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि जो भी वजह रही हो इसकी, लेकिन वो ऐसी ही शख्सियत है उनकी। और ये बात मुझे बहुत सारे जो उनके जेल में उनके साथ थे उनसे मिला, या जो पुलिस वाले थे जिनकी उनसे कुर्बत हो गई थी जब इतना लंबा केस चला, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, उनकी क्लास का फ़र्क है, जबकि ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब ऐसी वैसी जगह से नहीं आए थे वो। वो नरगिस और सुनील दत्त के बेटे हैं, वो लॉरेंस स्कूल सनार में पढ़े लिखे हैं, तो ये पता नहीं कहाँ से आया, बट ऐसा ही था। हाँ, तो उनके दोस्त मतलब ड्राइवर से उनकी दोस्ती हो जाती थी, जो स्पॉट बॉय होते थे उससे खूब बातें करते थे, तो ये दोनों ही तरफ है। लेकिन जब आप देखेंगे केस के मुताल्लिक देखेंगे तो जेल जा चुके हैं, बेल मिली है, और उसके बाद भी वो अंडरवर्ल्ड के लोगों से बातें कर रहे हैं, मतलब सुधरने की कोई सूरत दिखाई नहीं देती थी उनके, बार बार ऐसी चीज़ों में जाके फंसना और उसकी वजह से फिर सुनील दत्त की परेशानी को और बढ़ाना। गौतम बुद्ध कह गए हैं, हैव कंपैशन फॉर ऑल, द रिच एंड द पुअर अलाइक, दे ईच हैव देयर सफरिंग, सम सफर टू मच एंड सम टू लिटिल। जगजीत सिंह साहब की गाई एक गजल भी है, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, ये नजराना तेरा भी है मेरा भी। मैंने यासिर उस्मान साहब से पूछा कि आपने संजय दत्त को एक क्लास कॉन्स्ट्रक्ट, माली तबके के पस मंजर में भी देखा है, एक तरफ उनका सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट था, वो संजू बाबा थे, और दूसरी तरफ एक वल्नरेबिलिटी, एक इंसानियत वाला पहलू भी है, आप इसे कैसे देखते हैं?
ये दोनों पहलू उनकी शख्सियत का हिस्सा रहे हैं, क्योंकि बचपन से ही वालदैन थे, वो थे जो मदद करते थे गरीबों की। दत्त साहब जैसे नेता थे, वो हमेशा रहा कि मैं इतने वोटर्स से मिला वहाँ पर जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स हुआ करते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग किस पार्टी को वोट देते थे। कहते हम दत्त साहब को वोट देते थे, पार्टी नेवर मैटर टू अस, वो सिर्फ दत्त साहब को वोट देते थे। और ये जो चला आ रहा था बचपन से आ रहा था, और एक वो दरिया दिली वाला जो सीख थी वो साथ रही हमेशा उनके। तो फिल्म इंडस्ट्री में भी मैं इतने लोगों से मिला संजय दत्त के बारे में बात करने के लिए रिसर्च के दौरान, एवरीवन हैड अ संजय दत्त स्टोरी। समटाइम्स इट वाज ट्रेजिक, समटाइम्स इट वाज कॉमिकल, यू नो, समटाइम्स इट वाज अबाउट हिज ह्यूमन नेचर, दैट हाउ दरिया दिल ही इज। तो वो कहानी, वो दोनों चीज़ें उनकी शख्सियत का हिस्सा हैं कि इतनी बुरी फिल्में क्यों की, अरे यार वो यार है अपना, उसने कहा उसको ज़रूरत है तो मैंने कर ली। तो एक से घटिया फिल्म है पूरे पूरे करियर में। अब वो घटिया फिल्में भी चली हैं क्योंकि संजय दत्त से जो लोग आइडेंटिफाई करते थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके स्टारडम का भी, कि संजय दत्त एज एन एक्टर मैंने एक्सप्लोर नहीं किया इस किताब में। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़े एक्टर हैं या कंप्लीट एक्टर हैं अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार, है ना, या दूसरे स्टार्स की तरह। वो एक्टर बहुत मतलब बहुत ही एवरेज एक्टर मानता हूँ मैं उनको। जो उनकी उनकी शोहरत की वजह थी वो ये था कि जो लोग उनके फैंस उनसे आइडेंटिफाई करते थे वो उनकी पर्सनल इमेज, पर्सनल लाइफ की वजह से करते थे। मुझे ऐसा लगा कि पूरी ज़िंदगी वो उनके लिए बिन माँ का बच्चा रहा, क्योंकि रॉकी जब उनकी पहली फिल्म रिलीज़ होने वाली थी उससे 5 दिन पहले नरगिस का इंतकाल हो गया, और उसके बाद से जो वो कि अब बेचारे की माँ नहीं रही, उसके बाद ड्रग से लड़के आया है, उसके बाद कमबैक किया है चलो देख लेते हैं, उसके बाद जेल में फंस गया, मतलब सारी गलतियाँ संजय दत्त की थी, लेकिन लोग उनको माफ़ करने को तैयार हैं, है ना। और हर दौर में इतने ज़्यादा कमबैक मुझे नहीं लगता किसी और ने किए हैं, कि जो उनकी सारी अच्छी फिल्में हैं, नाम, साजन, वास्तव, है ना, खलनायक, मुन्ना भाई, MBBS, दे आर ऑल कमबैक फिल्म्स, है ना। कुछ कुछ फंस गए फिर वापस आ गए, फिर लोगों ने माफ़ कर दिया, यहाँ तक कि आज लोग मानते हैं कि अच्छा वो जो है असल ज़िंदगी में भी मुन्ना भाई हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। ही वॉज जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर, ही वॉज जस्ट ही एक्टेड वेरी वेल इन दैट फिल्म। आई थिंक ही दैट इज़ हिज बेस्ट फिल्म। लेकिन वो इमेज नहीं है, वो संजय दत्त नहीं है, वो क्लोज लोग आइडेंटिफाई करने लगे कि ये असली ज़िंदगी में भी ऐसे हैं, दरिया दिल हैं और गुंडे भी हैं। वो जो वो है, आई थिंक वो दैट कम्प्लीटली डिस्क्राइब्स हिम, शरीफ बदमाश वाली में, जो कि शरीफ बदमाश क्या होता है, मतलब अगर आप सोच के देखिए तो शरीफ बदमाश कुछ होता नहीं है, लेकिन जो सलमान आई थिंक फॉलोड द सेम टेम्पलेट, वो भी वही केस में फंसे और वो भी भाई वाला जो था, बट आई थिंक संजय दत्त जो थे उन्होंने शुरू किया वो जो ट्रेंड था बैड बॉय, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड बैड बॉय ऑफ बॉलीवुड। बैड बॉय से ताल्लुक ये नहीं है कि वो गब्बर सिंह या विलन है या मोगैम्बो हैं, बैड बॉय मतलब कि ये ऐसी चीज़ें करते थे, ये सिगरेट पीते थे, ये ड्रग्स लेते थे अपने टाइम में, बाइक पे चलते थे, है ना, और लेदर जैकेट्स पहनते थे, इनकी 20 गर्लफ्रेंड्स थी, वो वाला जो है ना कि वो बैड एस वाला जो इमेज थी वो एक्सप्लोर की गई है इसमें। आपको लगता है, आपने दरिया दिली का जिक्र किया, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये दरिया दिली जो सलमान के बारे में हो या संजय दत्त के बारे में हो, कहीं ना कहीं ये कॉन्शियसली करते हैं लोग ऑफसेट करने के लिए अपनी इमेज को? काफी लगता है। संजय दत्त के बारे में मुझे ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि सलमान का ह्यूज गिफ्ट्स बीइंग ह्यूमन, जब वो केस में फंस गए थे, या दिल से आता है, या मुझे लगता है कि संजय दत्त जो है इतना सोचते नहीं है। दैट मैं उनको बहुत ऑनेस्ट मानता हूँ, और लाइक आई हैव रिटन माई बुक दैट ही इज़ अ स्ट्रीट शूटर इन एन इमेज ऑब्सेस्ड बॉलीवुड, कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, ही मीन्स वॉट ही सेज एंड ही सेज वॉट ही मीन्स। दोस्तों, हम संजय दत्त को बदनाम नहीं करना चाह रहे और ना ही उनके बायोग्राफर यासिर उस्मान ने ये किया है, पर संजय दत्त को मिसाल के तौर पर लेते हुए सब्सटेंस अब्यूज और नशे की लत का जो सवाल है, जो बिग पिक्चर क्वेश्चन है, उसकी इन्होंने बखूबी अक्कासी की है। एक जगह संजय दत्त के अल्फाज दोहराए गए हैं, एंड ही हैड सेड, इट्स नॉट जस्ट दैट आई वाज सिक, द होल फैमिली वाज सिक विद मी। संजय दत्त का यह कहना कि ना सिर्फ मैं शराबी था, पूरा परिवार, मेरे तमाम घर वाले इसकी जद में आ गए थे, बहुत ही पावरफुल, दमदार अल्फाज हैं। Alcoholism and drug addiction are family diseases, which doesn't necessarily mean that everyone is an alcoholic, but it does deeply affect anyone close to the addict. It really is a world of pain. ये एक दर्द की दुनिया है,
खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, आप में से किसी को ये तजुर्बा हो, यानी आपका कोई अजीज शराबी हो। शराबी से मुराद जाहिर है वो लोग नहीं जो कभी कभी नोश फरमाते हैं, दोस्ती यारी में या दावतों में नोश फरमाते हैं। मेरा मतलब है पूरी तरह शराबी, फुल ऑन बोनाफाइड अल्कोहलिक। अगर आपके किसी करीबी रिश्ते में या घर में किसी को अल्कोहलिज्म की बीमारी रही हो तो आप भी उस सैलाब की जद में आए होंगे। अगर बम्बैया जबान में कहें तो वाट लग जाती है। यासर ने इस दर्द की दुनिया को बहुत इफेक्टिवली, बहुत कारगर्दगी से दिखाया है। मैंने उनसे इसके बारे में पूछा। कई किस्से हैं इसमें, अगर छोटे किस्से में बयां करूं तो इतनी बुरी हालत में थे, ये बताते हैं कि हम लोगों का एक रूल था घर में जो इनकी माँ का बनाया हुआ था कि डिनर सब लोग साथ करेंगे, चाहे कहीं भी हो लेकिन रात को आके बैठ के डिनर साथ करेंगे। तो बताते हैं कि मैं इतनी बुरी तरह ड्रग्स में डूबा हुआ रहता था कि कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं थाली में दाल है और मैं दाल में मुंह डाल के सो गया। या जब ये एक बार रिहैब में, इनको बॉम्बे में इलाज के लिए भेजा गया, तो एक दिन एक बहन साथ रहती थी, एक दिन दूसरी बहन साथ रहती थी, उनकी पढ़ाई चल रही थी, तो इनको विड्रॉल सिम्टम्स होते थे, ड्रग्स नहीं दी जाती थी तो हेलुसिनेशंस होते थे इनको। तो इन्होंने अपनी बहन को गोरखा समझा, उन्होंने कहा कि चल गांजा ला के दे, बीड़ी ला के दे। और इनकी बहन भी, चूँकि हुआ कि मेरा भाई कितनी तकलीफ़ में, तो वो भी कहती थी सलाम साहब, मैं शी प्लेड अलोंग। तो उसके बाद संजय दत्त कहते हैं कि सिर्फ मैं बीमार नहीं था, मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली बीमार थी, क्योंकि मैं इतने बुरे दौर से गुजर रहा था। और फिर एक वो है, एक बहुत ही वो फ़नी भी है और वो बहुत दर्दनाक भी है वो एपिसोड, जहाँ पर इन्होंने LSD ले ली है और ये सुनील दत्त ने इनको मिलने बुलाया और ये देख रहे हैं, सडनली इनको हेलुसिनेशन शुरू हो गया और इनको लगा कि सुनील दत्त के सिर में आग लग गई, तो ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, दैट संजू कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ। वो बहुत फनी इंसिडेंट है। उसके बाद इनको दिखता है कि सुनील दत्त पिघलने लगे, तो ये उनके ऊपर कूद जाते हैं और सुनील दत्त की कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनको पता नहीं है तब तक कि ये किस हद तक इनका एडिक्शन है और LSD क्या होता है, उस दौर के माँ बाप को नहीं पता था। तो सुनील दत्त बस कहते हैं यार की होया मेरे पुत्र नू। तो संजय दत्त कहना था कि उनको पता ही नहीं था कि मैं किस कुएं, अंधे कुएं में था। तो वो जो ड्रग एडिक्शन वाला है वो बड़ा दर्दनाक है कि वाकई न सिर्फ ये भुगत रहे थे बल्कि पूरी फैमिली इस तकलीफ में डूबी हुई थी। तो वो बहुत बहुत इमोशनल पार्ट है। लिखते वक्त भी मुझे, क्योंकि रिसर्च तो बहुत ज़्यादा थी, उसमें तो थोड़े थोड़े इंसिडेंट्स आए हैं, तो बहुत डिटेल में मैंने वो वाला उनका फेज स्टडी किया है। वो बहुत दर्दनाक था और उस वक्त तो बड़े यंग थे, 19-20 साल के थे, और इस हद तक लेना। इनफैक्ट जब नरगिस का इंतकाल हुआ तो, और जब आखिर दफनाने ले जा रहे हैं उनको, उस वक्त ये पूरे इनकी बहनों का इंटरव्यू है कि तो इनको कुछ होश नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल दर्द बर्दाश्त करने की ताकत थी नहीं, तो ड्रग्स लेके बस पड़े हुए थे। तो अब पीछे मुड़ के देखिए तो ये अपने आप में कि जब माँ भी चली गई, जो सबसे ज़्यादा अजीज़ थी उन्हें, वो माँ के सबसे लाडले थे, लेकिन उनको होश नहीं है उस वक्त क्या हुआ था, तो इतना बुरा उसका शिकंजे में थे। और आप वापस जाते हो बार बार, बहुत मुश्किल होता है निकलना। आप थोड़े दिन के लिए छूट जाते हो, फिर आप वापस जाते हो, और कई बार आप एक्सेप्ट भी नहीं करते कि मैं वापस जा रहा हूँ, बस आप चले जाते हो। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और बम्बई के अंडरवर्ल्ड के ताल्लुकात के बारे में भी बेखौफ बयानियां है इस किताब में। इस बात के लिए यासर उस्मान को दाद देनी पड़ेगी। सुनते हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। कि चलिए कि पूरा कंट्रोल में था, अंडरवर्ल्ड यूज टू कंट्रोल द फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि अभी तो देखिए कॉर्पोरेट्स आ गए हैं, कंपनीज आ गई हैं, स्टूडियोज आ गए हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% हो गया, बट काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज हो गया है, चेक्स में पेमेंट होने लगा है। उस वक्त जो पैसा लगाने वाले लोग थे, फाइनेंसर, वो सब अंडरवर्ल्ड, काफ़ी हद तक, सब तो नहीं अगेन, लेकिन एक मेजर हिस्सा जो था वो अंडरवर्ल्ड फाइनेंस करने लगा था। जाहिर है जब पैसे लगा रहे हैं तो डिक्टेट करेंगे टर्म्स, और ऐसा तो था नहीं कि अंडरवर्ल्ड में बड़े पढ़े लिखे लोग थे, देवर ऑल्सो स्टार स्ट्रक, तो उनको अच्छा लगता था कि अच्छा ये बड़ा स्टार है, ये हमारे घर आके गाना गा रहा है या नाच रहा है, तो इट वॉज ऑल्सो अ स्टेटस सिंबल फॉर देम। ये चलता रहा, तो वो चाहते थे कि उन पे बनाई जाए, उन पे बनाई जाए, और ऐसा हुआ है। संजय दत्त ने खुद ऐसी फिल्मों में काम किया है, बल्कि जो वास्तव फिल्म थी उनकी, जो उनकी सबसे अच्छी फिल्मों में से, उसके भी कहीं ना कहीं कनेक्शन जाके जुड़े थे उस वक्त जब तहकीकात हुई थी। तो बहुत से लोग थे जो डर में ऐसा करते थे, बहुत से लोग थे जो जिनके पास कोई रास्ता नहीं था कि अब पैसे चाहिए तो ले लो, और बिजनेस के तौर पर लिया, ऐसे भी बहुत लोग थे। संजय दत्त इन दोनों कैटेगरीज से अलग थे। संजय दत्त को शौक था उनसे बातचीत करने का।
खतरों से खेलने से ज़्यादा उनको अच्छा लगता था वो कि अच्छा ये हुआ बहुत बढ़िया। तो ये जब यलगार की शूटिंग वो दुबई में कर रहे तभी वो सब मुलाकातें हुई और वो करीब आए, उनकी दोस्तियाँ हुई, और उसके बाद जब जब 1992 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई उसके बाद जो था कि दंगे हो रहे हैं बॉम्बे में, बहुत बड़े दो फेजेस में दंगे हुए थे बड़े बड़े, उस वक्त सुनील दत्त के घर धमकियां आती थी क्योंकि ऐसा कहा जाता था, शिवसेना और दूसरे लोग कहते थे कि अच्छा ये सिर्फ मुसलमानों की मदद कर रहे हैं। तो संजय दत्त ने पुलिस को बताया कि मैंने अपनी सेफ्टी के लिए हथियार लिया। वो फैक्चुअली बहुत सही नहीं मानता हूँ मैं, और मैंने ये लिखा भी अपनी किताब में कि अगर वो कोई आम आदमी नहीं थे कि धमकी आ रही थी, तो वो बहुत बड़े नेता के बेटे थे और वो ऐसे नेता के बेटे थे जिसकी पार्टी वॉज द रूलिंग पार्टी इन द कंट्री। तो ऐसा भी नहीं था कि वो अगर पुलिस से मदद मांगते तो मना कर दिया जाता, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो ब्लंडर किया कि वो हथियार लिए उन्होंने, और जिसकी सज़ा भुगती अल्टीमेटली वो ही वॉज कन्विक्टेड इन आर्म्स एक्ट। लेकिन देर आर सो मैनी क्वेश्चन दैट लिंगर इन योर माइंड कि ऐसे इसी जिन्होंने ये गुनाह किया या जुर्म किया जो संजय दत्त ने किया, वो अभी तक जेल में है या उनको ज़्यादा सज़ा मिली, तो वो सारे सवाल हैं। जी जनाब, तो ये थी मेरी गुफ्तगू संजय दत्त की बायोग्राफी लिखने वाले यासिर उस्मान साहब के साथ। दोस्तों, ये किताब तमाम बड़े बुक स्टोर्स और ऑनलाइन भी दस्तियाब है, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, पैसा वसूल। यासिर उस्मान इज फिल्मी, वेरी फिल्मी इन द बेस्ट सेंस ऑफ द टर्म। ही इज इमर्स्ड इन द वर्ल्ड ऑफ हिंदी सिनेमा, द ट्रेड एंड बिजनेस एस्पेक्ट, द आर्टिस्टिक एंगल एंड द सोशियो कल्चरल डायमेंशन। So this is a very authoritative account. Hindi film industry ki rag rag se wo waqif hain. Unki kitab dilchasp page turner to hai hi. Lekin agar aap sensitive hain, agar aapne zindagi ko kareeb se dekha hai, os ko chuma hai aur angaron pe chale hain, to aapko ye kitab hassas aur gehri bhi lagegi. Sanjay Dutt ka jeevan ek vasila hai zindagi ke mukhtalif pehluon ko chakhne ka. साथ ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अक्कासी भी है इस किताब में। नाजरीन, क्या आप संजय दत्त को एक कॉशनरी टेल और इंस्पायरिंग फिगर दोनों मानते हैं? एक ऐसा बंदा जिसकी गलतियों से सीखा जा सकता है, और साथ ही एक ऐसा इंसान जिससे मुतासिर होकर, प्रेरित होकर हम मुश्किलात से लड़ना भी सीख सकते हैं। ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। अगर इस वीडियो या द वायर की कोई भी पेशकश आपको पसंद आए, तो हमेशा की तरह मैं ये आपसे गुजारिश करूंगी कि उसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये अदबी गुफ्तगू जारी रहे, आगे बढ़े। लेट्स कीप दिस कॉन्वर्सेशन गोइंग। अब इजाजत है, अगले इतवार सुबह 11 बजे इंडिया टाइम हम फिर हाजिर होंगे। नमस्ते, खुदा हाफिज़।